जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज YT एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये बिहार दरोगा और बिहार BPSC जो 17वीं परीक्षा होने वाली है उनसे संबंधित टॉपिक के आधार पे है। आप सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि इस 30 प्रश्न के उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में एक एक करके जरूर दें। देखिए कितना उत्तर आप यहाँ पे सही कर पाते हैं और इन सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी इसके उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ही है बिहार और बिहार की क्रांति। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है तो आंसर करने का आप भी प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि मुजफ्फरपुर बम कांड को किसने अंजाम दिया था। देखिए, अब आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये डेट नोट कर लीजिएगा, 30 अप्रैल को ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। अच्छा, क्यों हुआ था ये और किसने किया था, तो उत्तर आप लोग कीजिए कि किसने किया था, ठीक है, और क्यों हुआ था। तो ब्रिटिश शासन था उस दौरान, ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम किया गया जिसके विरोध में ये किया गया था। किसने किया था तो अब मैं आंसर आपको बता दूं कि ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों का ही नाम। और आपको बता दें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला में जिला सत्र के दौरान न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के ऊपर जो है ये बम फेंका था और बम से उड़ाने की कोशिश की थी, हालांकि वो गलत गाड़ी पर बम फेंक चुके थे और दो अंग्रेज महिलाएं इसमें मारी गई थी, तो इसकी सजा उनको मिली। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे और आंसर कीजिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। सवाल नंबर दो पे चलते हैं, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना किसने की थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा इसका यहाँ पे, और हर प्रश्न का उत्तर देना यहाँ पे बहुत जरूरी है आप लोग का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आएगा दोस्तों, इट्स अ बी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दें कि ये कब किया गया था, है ना, इसकी स्थापना कब किया गया था अगर पूछ ले तो 1913 में किया गया, 1913 में, ठीक है। अब यहाँ से जो है पूछ सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे ये कौन थे, तो ये क्रांतिकारी थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एकदर करके, है ना। और ये देखिए भारत के कई हिस्सों में इसकी शाखाएं खोली गई थी। पटना का जो शाखा था उसका नेतृत्व जो है BN कॉलेज, जो आप लोग देखते हैं BN कॉलेज है पटना में, है ना, BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र ने किया था, ठीक है। और अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1913 में किया गया था, लेकिन ये सॉरी यहाँ पे अनुशीलन समिति की शाखा जो कि पटना में किया गया था ये 1913 में किया गया था, लेकिन ये पूछ दे आपसे कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1902 में किया गया था, ठीक है, याद रखिए। कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था, है ना, उस समय कलकत्ता बोला जाता था, तो ये कलकत्ता में किया गया था, एक बैरिस्टर परमनाथ मित्र के द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर कीजिएगा यहाँ पर आप लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास कीजिए। हर प्रश्न के लिए आपको मैं यहां से जो है कुछ समय दे रहा हूं कि आप भी उत्तर कीजिए। बिल्कुल, लखनऊ अधिवेशन था ये दोस्तों 1916 में, ठीक है, और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए चंपारण बिहार आइए, ठीक है, और यहां से गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह भी शुरू किया, ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिले थे। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर जो है 4, आंसर करिएगा यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपको बता दूं कि BPSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और बिहार दरोगा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। देखिए तीन कटिया जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये तीन कटिया जो है किससे संबंधित है,
तीन कटिया प्रथा किससे संबंधित है? एग्जैक्टली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों से संबंधित है एक तो पहला चीज, अगर ऐसे पूछे किसान वगैरह बोल के तो आप बताइएगा। तीन कटिया बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है ना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वहां से संबंधित है, और किसानों के अन्नपूर्ण खेती की व्यवस्थाओं को लेकर ये तीन कटिया व्यवस्था लाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि किसान जो थे अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा, ठीक है याद रखिएगा, 3/20 हिस्सा था, यानी कि 20 कट्ठा जो जमीन था, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो नील की खेती होती थी, और ये नील की खेती जो है अंग्रेजों के लिए की जाती थी, किसानों को इसकी उपज का बहुत कम मूल्य भी दिया जाता था, लेकिन 3 कटिया जो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो है 3 कट्ठा जमीन अंग्रेजों के नाम होता था, 20 कट्ठा का जमीन अगर किसी के पास तो वो 3 कट्ठा उनके नाम रहेगा। तो यह प्रथा किसानों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि खाद्य फसलों की कम जमीन बस्ती थी और गरीब और भुखमरी की सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर गांधी जी ने, है ना, गांधी जी आए और इन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, चंपारण सत्याग्रह कर दिया। तो ये किससे संबंधित है, तो आंसर कर लीजिएगा बी, चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तीन कठिया प्रथा के अलावा अंग्रेजों ने यह कुरतौली या कुश्की जैसी अन्नपूर्णा खेती की प्रथा भी लगाई थी, यह प्रथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी देखा गया, और इसे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में भी इस समय उभरता हुआ देखा गया। तो आंसर कर लीजिएगा बी, चंपारण आंदोलन से ये संबंधित है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 ईस्वी में किस बंगाली नौजवान को भागलपुर में भारत रक्षा कानून की धारा 12 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसका उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ, अनाथ बंधु चौधरी, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये कानून की धारा उस समय जो है अंग्रेजों के खिलाफ लगाई जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा लगाई जाती थी, धारा क के अंतर्गत गिरफ्तार में किया गया इनको, अनाथ यह बंधु चौधरी का। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब बिहार में उपराज्यपाल से मिले तो रांची गए, वह किसके यहाँ ठहरे थे? बिल्कुल, ये 1917 के दौरान हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, और ये ठहरे थे दोस्तों रामकृष्ण सहाय के द्वारा। के आंसर क्या कर लेंगे, डी। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना के समय पटना का कौन सा कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था? तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया है ना, 1913 के दौरान जो है ये हुआ, और इसकी स्थापना 1902 में किया गया था, और ये जो है बीएन कॉलेज को इसका सेंटर बनाया गया था दोस्तों पटना में। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ये भी मैंने आपको बताया अभी है ना, तो ये किंग्स फोर्ड थे, इनकी हत्या का योजना बनाया गया था, लेकिन ये में दो महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी है ना, अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी, जिसके लिए यहाँ पर जो है सजा भी मिली थी जो इन्होंने बम फेंका। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे चलते हैं, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? और ये भी फांसी इनको इसलिए दिया गया था कि ये बम फेंके थे चेम्स फोर्ट पे, किंग्स फोर्ट पे, ये ध्यान रखिएगा। इनको फांसी की सजा दोस्तों दी गई 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 1906 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 1906 में पटना में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसका जो है उत्तर बताना है आपको कि बाबा जी ठाकुर दास थे, रेवती नाग थे, या सचिन बागी थे, या फिर फंगनेश्वर नाथ थे। तो बिल्कुल आंसर अगर आप ए कर रहे हैं इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं इसको यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे, आंसर करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी जो कि प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के साथ थे, संबंधित कथन इनका था जो कि सत्य है। तो बिल्कुल इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था, आंसर यहाँ पे करिएगा कि
इस बम कांड में जो कि खुदीराम बोस को तो फांसी दिया गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है उस समय खुद को गोली मार लिए थे, वो अंग्रेजों के हवाले अपने आप को नहीं कर सके थे। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? बिल्कुल, चंपारण आंदोलन जो है दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ऐतिहासिक एक आंदोलन था, है ना, और उस समय ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही यहाँ पे इन सबका जो है राज्यपाल उपराज्यपाल के यहाँ पे उपाधि दिया जाता है। ये अल्बर्ट गेट थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उपराज्यपाल थे ये, ना राज्यपाल नहीं। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, तिरहुत प्रमंडल के किस आयुक्त ने गांधी जी को अविलंबन तिरहुत छोड़ देने को कहा था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ ये थे एल एफ मार्शेड, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, बिहार के क्रांतिकारी नेता जो थे खुदीराम बोस, उनके वकील थे बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी, ठीक है, और जो कि खुदीराम बोस को 1908 के दौरान मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी, और इनके विपक्ष में जो ये तो प्रिंडल कैंडी थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि कालिदास बसु जो है इनके लिए केस लड़ रहे थे खुदीराम बोस के, ठीक है, डी, और प्रिंडल कैंडी जो थे वो इनके विपक्ष में केस लड़ रहे थे, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? बिल्कुल, तीन कटिया प्रथा का अंत किया गया, सभी रैयत की घटना लगान लगाया गया, घटा दिया गया, बगान मालिक जो थे उनसे वसूल किए गए अवैध रुपए जो है उनके 25% वापस किए गए, और चंपारण अधिनियम यहाँ पे जो है रूल एक्ट लेकर आया गया, उसका जन्म हुआ, ये उस दौरान महात्मा गांधी नेता बने यहाँ पे उभरते हुए। तो आंसर यहाँ पे ई कर लीजिएगा, इनमें से सभी सही है। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, गांधी जी चंपारण जाने के क्रम में पटना में किसके पास ठहरे थे? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, देखिए आंसर कर लीजिएगा वैसे वहां पे, है ना, जेपी कृपलानी के पास ठहरे थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रारंभिक नेताओं में निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार से नहीं है? अब ये नहीं बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, जी हाँ, तो आंसर करिएगा गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बिहार में प्लांट्स ऑफ द रैयत, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट्स ऑफ द रैयत, ठीक है, ये जो है इसके शीर्षक किस समाचार पत्रिका ने 6 किस्तों में एक लेख को प्रकाशित किया था? या समाचार पत्रिका का नाम था बिहारी, नोट कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं, चंपारण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी किए थे, तो ए इज द करेक्ट आंसर, कब किए थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अभी हमने आपको बताया है। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं, चंपारण आंदोलन के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो ये थे जनकधारी प्रसाद, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं आंसर। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है चर्चा में रहा समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रताप जो समाचार पत्र था इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं, किंग्सफोर्ड कौन थे? देखिए मैंने अभी बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो किंग्सफोर्ड जो थे दोस्तों कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, यानी जज थे, आंसर कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 है कि वरिंदर कुमार घोष स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की थी? गोल्डन लीग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी था, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना, कि वरिंदर कुमार घोष स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना किए थे? तो देवघर, अभी ये देवघर कहाँ है याद रखिएगा, झारखंड में, ठीक
है ना, वरिंदर घोष स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किए थे। और ये जो है अभी कहाँ पर है, तो झारखंड में है देवघर, जहाँ बाबा बैजनाथ धाम का भी माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये कब हुआ था स्थापना, तो 1904 के दौरान हुआ था स्थापना, ये भी आपको याद रखना होगा। और यह एक व्यायामशाला यानी कि जिम था, और इसका उपयोग करते थे। और ये जो है इसकी स्थापना यहाँ पर किया गया, गोल्डन लीग सोसाइटी, जो कि शिक्षकों का एक समूह था, यहाँ पे व्यायामशाला का उपयोग करते थे। और जो कि वरिन घोष है ना, वरिन घोष, यहाँ वरिंदर लिख दिया गया, वरिन घोष, उनके चाचा मनिंदर बसु, उनके लिए अन्य शामिल भी थे इसमें, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों को ये हवा भी देते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये शामिल थे यहाँ पे, तो ये नोट कर सकते हैं, देवघर इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया। तो देखिए गांधी जी तो बिहार में आए, तो चंपारण से किए, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बिहार का ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया। तो भारत में अपना पहला प्रयोग जो है बिहार के चंपारण में 1917 में ही किए थे, 16 में तो ये आए थे, थे बाहर से, ठीक है। इस सत्याग्रह में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और ये आंदोलन किसके लिए था, तो नील की खेती की करने वाले किसानों को शोषण करने के खिलाफ में किए थे, ठीक है। और गांधी जी ने फिर उसके बाद जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी यहाँ पर तुल दिया, और ये भी चंपारण से ही आपका शुरू हुआ था। तो आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे, चंपारण एग्रीरियन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत की। देखिए ये एक कृषि कानून था, जो कि सरकार को यहाँ पर जो है सरकार के सामने इसका एक विधेयक पास किया गया, जिसको तो चंपारण कृषि विधेयक के नाम से भी हम लोग जानते थे, ठीक है। तो ये 1917 में किया गया था, लेकिन डेट पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर लीजिएगा डी, 4 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर 1917, ठीक। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे, आंसर कीजिएगा दोस्तों, ढाका अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने भागलपुर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में मदद की थी। तो ढाका कहाँ था दोस्तों, तो बांग्लादेश, याद रखेंगे दोस्तों, है ना, बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी अनुशीलन समिति हुई, इसके सदस्य जो है भागलपुर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने की मदद की थी, ये याद रखिएगा दोस्तों आंसर करके। यहाँ पे रेवती नाग, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई थी। तो ये यहाँ नोट कर लीजिए, तो रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, खुदीराम बोस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो ये मुकदमा मोतिहारी में ही चला था, चंपारण का एक शहर है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे, बिहार के पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया। आंसर कीजिएगा बाबा जी ठाकुर दास, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन के नेतृत्व में पार्टिसिपेट किया। तो बिल्कुल यहाँ से याद रखिएगा, डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, सॉरी राजकुमार शुक्ल थे वो, जिन्होंने इनको इनवाइट भी किया था बिहार में आने के लिए। और 31वां क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये आंसर आप लोग कीजिए 1917 इज द राइट आंसर। और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बक्सर में, ये बक्सर पूछा गया है, तो युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिलवाने की मदद किसने की थी, तो बक्सर में यदुनाथ सरकार ने किया था, ठीक है। तो आंसर ये कर लीजिएगा सवाल का उत्तर। और आखिरी सवाल है आपका, चंपारण सत्याग्रह जी के दौरान गांधी जी बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट के यहाँ कहाँ पर जाकर मिले थे। तो ये आंसर कर लीजिएगा, रांची में मिले थे, ठीक है, कहाँ मिले थे, रांची में। देखिए 30 क्वेश्चन हमने सेट किया था, जिसमें कि एक दो क्वेश्चन शायद यहाँ पे आप लोग का मैच कर रहा होगा, लेकिन इन 30 प्रश्नों में, है ना, 30 क्या 33 ही बोलिएगा, कितने उत्तर आप लोगों ने यहाँ पे सही किए कमेंट करके बताइएगा, और सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आप लोग लिख भी दीजिएगा, तो आई थिंक आपका जो है तैयारी करने का प्रोसेस जो है बेहतर हो जा रहा है, हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपडेट के साथ। तो एजुकेशन की के इस चैनल को, YT एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और इसका जो भी आपका अपडेट है, हम आपको इसके टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करते रहेंगे, तो आप वहां से भी जुड़ जाइएगा। जय हिंद।